बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। सामीन मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर अपना तारफ़ कराना चाहूँगा। मेरा नाम अरशद जावेद है, मैं नफ्सियात का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। नफ्सियात की आला तालीम मैंने अमेरिका से हासिल की और वहीं से मैंने हिप्नोटिज़म और नफ्सियाती इलाज के खसूसी कोर्सेज किए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं 18 किताबों का मुसन्निफ हूँ और हमारी अक्सर किताबें बेस्ट सेलर हैं और कुछ किताबों का दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में भी तर्जमा हो चुका है। सामीन मोहतरम, कामयाब शादी खुशगवार शादी होती है और खुशगवार शादी दुनिया भी जन्नत होती है और नाखुशगवार जहन्नम होती है। तो हम ज़िंदगी कभी भी खुद ब खुद कामयाब और खुशगवार ना होगी। इसके लिए दोनों मियाँ बीवी को रोज़ाना शौरी कोशिश करनी होगी। तो हम आज आपको चंद ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब और खुशगवार बना सकेंगे। सामीन मोहतरम, कामयाब और खुशगवार शादी में सबसे अहम किरदार अज़्दवाजी ज़िंदगी का है। रिसर्च से मालूम हुआ है कि वो जोड़े जिनकी अज़्दवाजी ज़िंदगी भरपूर होती है, उनकी शादी बहुत कामयाब होती है, खुशगवार होती है। नंबर दो, मियाँ बीवी दोनों ये बात समझें कि वो एक जैसे नहीं हैं, फितरी तौर पर मुख्तलिफ़ हैं और ज़हरा के फितरत कभी नहीं बदलती। और ख़ुदा ने औरत को एक काम के लिए पैदा किया है और मर्द को दूसरे काम के लिए। तहम इसलिए हम ये कहते हैं कि मियाँ बीवी की तरह नहीं हो सकता और बीवी मियाँ की तरह नहीं हो सकती। लिहाजा सुकून के साथ एक दूसरे को कबूल कर लें और एक दूसरे को बदलने और ठीक करने की कोशिश ना करें। अगर आपने अपने साथी को ठीक करने की कोशिश की तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सामीन मोहतरम, कामयाबी की सबसे बड़ी वजह जो है वो समझौता है, यानी कंप्रोमाइज़ है। इससे मुराद है कुछ लें और कुछ दें, कुछ माने कुछ मनवाएं, मनमानी ना करें, हमेशा अपनी बात ना मनवाएं। समझौते के बगैर शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए कुछ लो और कुछ दो के असूल पर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। सामीन मोहतरम, रिसर्च से मालूम हुआ है कि कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी में दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। और आप भी अपनी खुशगवार ज़िंदगी के लिए अपने साथी का एहतराम करें और ख़ास तौर पर बच्चों और लोगों के सामने उसको खुसूसी अहमियत दें और उनका एहतराम करें। नंबर नेक्स्ट है कि एक साथी अपने साथी की ख्वाहिशात का एहतराम करें, इससे ताल्लुकात बहुत खुशगवार होते हैं। हमेशा अपनी बात ना मनवाएं, अपनी मर्ज़ी ना करें, क्योंकि आपका हर अमल दुरुस्त नहीं हो सकता। दुनिया में किसी भी इंसान का कोई भी अमल दुरुस्त नहीं हो सकता। लिहाजा एक दूसरे की हौसला अफज़ाई करें, हौसला शिकनी ना करें। सामीन मोहतरम, अपने साथी की कभी बुराई ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, ख़ास तौर पर लोगों के सामने, अपने बच्चों के सामने। अगर ये करेंगे इससे घर का माहौल बहुत ख़राब होता है। नंबर सेवन ये है कि साथी को बार बार अच्छा कहें और उससे अच्छा कहकर अच्छा बनने का मौका दें। और किसी को बुरा कहकर आप उसको उसके लिए अच्छा होने का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जब आप किसी को बार बार अच्छा कहते हैं, बार बार अच्छा कहते हैं, तो वो फ़र्द ज़रूर अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करता है। नंबर एट है, हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं। और आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने साथी की खूबियाँ तलाश करें, आपको बहुत सी खूबियाँ मिल जाएंगी। बदकिस्मती से हम दूसरों की खामियाँ तलाश करते हैं, खूबियाँ नहीं तलाश करते। और हमें दूसरों की खामियाँ फौरन नज़र आती हैं, जबकि हमें अपनी खामियाँ भी नज़र कभी नहीं आती। और ये बात जहन में रहे कि
आप भी बेऐब नहीं हैं, आप भी कामल नहीं हैं। नंबर 9 है कि अपने साथी की कमज़ोरियों को, खामियों को, राजों को उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल न करें, ख़ास तौर पर लड़ाई झगड़े में उन बातों का ताना ना दें। ये नंबर 10 है कि अपने साथी का मेहमान खसूसी जैसा सलूक करें और इससे शादी बहुत खुशगवार और कामयाब होगी। मेहमान खसूसी कैसा भी क्यों ना हो, हमारे घर में आया, हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उससे शायस्ता और खुशखुल्क होंगे। इसी तरह आप अपनी वाइफ के साथ भी, अपने साथी के साथ भी खुश अखलाक हों, शायस्ता हों, क्योंकि उसका ज़्यादा हक है कि आप उसके साथ अच्छे हों। नंबर 11 है, खुशबाश जोड़े एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात रखते हैं और इससे ज़िंदगी बहुत खुशगवार और कामयाब हो जाती है। खुसूसन मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद का पता हो, ना सिर्फ पता हो बल्कि पसंद और नापसंद के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को ढाल लें। इसके लिए एक बड़ा सादा तरीका यह है कि दोनों मियाँ बीवी एक एक कागज़ पर अपनी पसंद भी लिखें और अपनी नापसंद भी लिखें कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। फिर दोनों मियाँ बीवी कागज़ बदल लें और फिर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इससे ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी और बहुत ही खुशगवार होगी और खुशगवार ज़िंदगी में तारीफ़, तहसीन और प्यार मोहब्बत को बुनियादी हैसियत हासिल है। इंसान अपनी तारीफ़ और हौसला अफजाई सुनकर बहुत खुश होता है, लिहाजा अपने साथी की दिल खोल कर तारीफ़ करें, अपने साथी की खिदमात का बार बार शुक्रिया अदा करें। इसके लिए आप अपने साथी की ऐसी चीज़ें तलाश करें जो बहुत अच्छी हैं, जिनकी तारीफ़ की जा सकती है, फिर आप उनकी खूब तारीफ़ करें। नंबर 13 है कि कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी कुछ वक्त इकट्ठा गुजारें, इकट्ठा गुजारें, उसके लिए सैर व तफरी करें, मॉर्निंग वॉक करें और जब गुफ्तगू हो तो एक दूसरे की पसंद के मुताबिक गुफ्तगू करें और इससे ज़िंदगी जो है बहुत ही खुशगवार होगी। इसमें एक और उसूल ये है कि आप बोलें कम, सुने ज़्यादा, इससे आपका साथी बहुत खुश होगा और जिससे घर का माहौल एक जन्नत की तरह बन जाएगा। सामिन मोहतरम, इख्तलाफी गुफ्तगू से हमेशा परहेज़ करें आप, इसी तरह ज़्यादा बहस और तू तुकार से बचें आप और अपने साथी को नाअहल नकम्मा साबित करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट है कि अपने साथी की छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं आप। एक अहम बात यह है कि हमेशा तनकीद से बचें, अपने साथी पर कभी भी नुक्ताचीनी ना करें, तनकीद ना करें, ख़ास तौर पर बच्चों के सामने, लोगों के सामने, क्योंकि इससे हर इंसान को तकलीफ़ होती है। और अगर तनकीद बहुत ज़रूरी है तो पहले अपने साथी की 3 चीज़ों की तारीफ़ करें, शाइस्तगी के साथ अलैदगी में तनकीद करें, ये बहुत अहम है। और आखिरी यह है कि बाज़ औक़ात दुनिया में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ तू तुकार ना होती हो और बाज़ औक़ात ये तू तुकार बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुँच जाती है। इस सूरत में लड़ाई को तूल ना दें, दूसरे की माजी की गलतियों को न दोहराएं और लड़ाई के दरमियान वक्फा कर लें, मौजू बदल लें और लड़ाई की जगह से दूर चले जाएं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर इस लड़ाई में दोनों में से एक फ़र्द खामोश हो जाए तो लड़ाई कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि एक इंसान अकेला 5 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं सकता। सामिने मोहतरम, मैंने आपके साथ 17 ऐसे तरीके शेयर किए हैं कि अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब होगी और बहुत ही खुशगवार होगी। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। वीडियो को अपने अजीज़ वकारब और दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके अलावा अगर आप इसको सब्सक्राइब कर दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा।